सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं डीडी फ्री डिश के बारे में। साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से नया चैनल सिलेक्ट हुए हैं, कितने रुपए में सिलेक्ट हुए हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सन नेटवर्क द्वारा एक नया चैनल शुरू होने वाला है, लॉन्च ही होने वाला है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि डीडी फ्री डिश पे ई ऑक्शन की प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ पे एक सन नेटवर्क द्वारा एक नया चैनल शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है सन इंटरटेनमेंट और सन हिंदी भी कह सकते हो आप। तो इस पे किस तरीके का कंटेंट आएगा उसकी तो अभी तक कोई ऑफिशियली प्रोमो वगैरह नहीं आया है, बट सन हिंदी जो चैनल है आपको सबसे पहले डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस चैनल ने ई ऑक्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करा था और लगभग 21 करोड़ रुपए देकर अपने स्लॉट्स को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। साथ ही दोस्तों बता दूं ए प्लस बकेट में लगभग 11 चैनल सिलेक्ट हो चुके हैं जो कि इंटरटेनमेंट कैटेगरी के चैनल है। और साथ ही कितने रुपए में सिलेक्ट हुए उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला चैनल दोस्तों रहने वाला है मनोरंजन टीवी, जिसका 21.15 करोड़ रुपए में स्लॉट मिला है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो चैनल है मनोरंजन ग्रैंड है, जिसका 21.25 करोड़ में स्लॉट मिला है। थर्ड है धमाल, जिसका 20.85 करोड़ में स्लॉट मिला है। दंगल चैनल का 20.8 करोड़ में स्लॉट मिला है। सन हिंदी चैनल को 21 करोड़ रुपए में मिला है। द क्यू जो चैनल है उसको 19.05 करोड़ में मिला है। इसके साथ ही दोस्तों और भी चैनल्स हैं, और अगर मैं बात करूँ मूवी चैनलों के बारे में, सबसे पहले कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट है जिसको 18.3 करोड़ रुपए देकर स्लॉट मिला है। जी अनमोल सिनेमा 18 करोड़, स्टार उत्सव मूवी 17.8 करोड़, कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड 17.75 करोड़, स्टार गोल्ड फिल्म 17.8 करोड़, सोनी वाह को 17.75 करोड़ रुपए देने के बाद स्लॉट मिले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं बता दूं कि इतने रुपए देकर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे ये चैनलों को लॉन्च किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रसार भारती को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है, लगभग 100-200 करोड़ रुपए तो यही इनके चैनलों के सिलेक्शन से ही, ये और ए प्लस ही कैटेगरी से ही मिल जाने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट डीटेल केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे यही चैनलों को चलाने के लिए 10 पैसा ही चार्ज किया जाता है, तो ब्रॉडकास्टर लेते हैं और इनका मेन जो रेवेन्यू सोर्सेज हो जाता है एडवर्टीजमेंट। डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे चैनल चलते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मिल जाते हैं जहाँ से एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। यही प्राइवेट डीटेल केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे क्या हो जा रहा है, इन चैनलों के लिए चार्जेस भी लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राहकों को एक सेकेंडरी ऑप्शन भी मिल जा रहा है। तो एक इस वजह से कहीं ना कहीं केबल टीवी और डीटीएच बिजनेस को भी नुकसान हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल को फ्री में बांटिए मत बांटिए, इट्स तो ब्रॉडकास्टर का कॉल है, बट इस वजह से कहीं ना कहीं केबल इंडस्ट्री और डीटीएच इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होप सो गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट।